और चलिए सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आईसीसी पहुंचे हैं अजय माकन, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान के नए प्रदेश प्रभारी अजय माकन एआईसीसी पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। विवेक बंसल समेत कई कांग्रेसी दिग्गज नेता हैं जो मौजूद है एआईसीसी में, इस दौरान मौजूद रहे विवेक बंसल और भी कई तमाम नेता एआईसीसी में मौजूद रहे। राजस्थान प्रभारी अजय माकन एआईसीसी पहुंचे, यहां पहुंचने के साथ ही उनका स्वागत किया गया, बुके भेजकर उनका स्वागत किया गया। यह सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है अजय माकन को राजस्थान की, जिस तरह से पिछले दिनों लगातार राजनीतिक घटनाक्रम रहा, मौजूदगी अजय माकन की रही है लगातार, फिर वो चाहे होटल फेयरमाउंट की बात हो या फिर जैसलमेर की बात हो, लगातार संवाद विधायकों से रहा है, लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मौजूदगी रही है। और अब जिम्मेदारी यहां पर अविनाश पांडे के बाद अब अजय माकन को दी गई है। प्रदेश प्रभारी के तौर पर अब अजय माकन अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। और ये तस्वीरें एआईसीसी से, जब प्रदेश प्रभारी अजय माकन एआईसीसी पहुंचे, वहां पर विवेक बंसल समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे जिन्होंने उनका स्वागत किया। वहां पहुंचने के साथ ही बुके भेजकर स्वागत किया गया है। ये अहम तस्वीरें। तो अब बड़ी जिम्मेदारी यहां पर अजय माकन को प्रदेश की मिली है, लेकिन साथ ही साथ अब एक चुनौती भी अजय माकन के लिए रहेगी। ये सबसे खास बात कि समन्वय किस तरह से बिठाया जाए, सबको साथ लेकर चलना, कहीं कोई फिर वैसी स्थिति ना बने जैसी अभी बनी थी। हालांकि बार बार सब यही कहते हैं कि हम सब कांग्रेसी एकजुट है, एक साथ है, और अब कोई सियासी उठापटक यहाँ पर नजर नहीं आएगा। लेकिन इन 35 दिनों में माकन ने राजस्थान की नब्ज को समझा है, क्योंकि लगातार मौजूदगी प्रदेश में रही है अजय माकन की। और चलिए इस पर बातचीत के लिए दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, अजय माकन को जिम्मेदारी दे दी गई है प्रदेश की, प्रदेश प्रभारी के तौर पर अब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, लेकिन ये बात भी तय है कि पिछले 35 दिनों नब्ज को समझा है राजस्थान की अजय माकन ने, ताकि आने वाले वक्त में आसानी हो, चुनौतियों का सामना भी किया जा सके। देखिए, इसमें दो बात साफ है कि पहला, पिछले 35 दिनों में अजय माकन ने राजस्थान की नब्ज को तो समझा है, और उस दौरान समझा है जब सबसे बड़ा सियासी उठापटक चल रही थी। उस समय उन्होंने बीजेपी के दावपेच समझे, खुद के विधायकों के दावपेच समझे, और जो दोफाड़ कांग्रेस में था उसमें पूरी नब्ज समझी। लेकिन वही आपको बता दें कि क्यों अजय माकन पर कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि आलाकमान अजय माकन को अच्छे से, उनकी कार्यप्रणाली को जानते थे। ऐसे अगर हम आम भाषा में बात करें तो अजय माकन को राहुल गांधी का आदमी माना जाता है, राहुल गांधी खेमे का माना जाता है, क्योंकि राहुल गांधी अजय माकन की कार्यप्रणाली समझ चुके हैं। देखिए, तमाम चीजों के बाद जब कल उनका अनाउंसमेंट हुआ, और उतना ही, उससे भी बेहतर काम अविनाश पांडे पहले करके जा चुके हैं, और अविनाश पांडे और अजय माकन पिछले दिनों जब साथ रहे तो समझ आता है कि शायद अविनाश पांडे ने पूरा हैंडओवर अजय माकन को दिया होगा, एक एक बात समझाई होगी, और उसके बाद अब अजय माकन नए सिरे से, क्योंकि देखिए राजस्थान में भी जो कुछ भी हुआ हम सब जानते हैं कि अब एक बार फिर से नए सिरे से चीजें शुरू हुई है। सचिन पायलट की वापसी के बाद कांग्रेस और आलाकमान दोनों ने ही नए सिरे से चीजों को रखने की कोशिश करेंगे आगे भी, और आगे जो दोस्ती गहलोत और पायलट के बीच में हुई है वो भी एक नए सिरे से, इसको दोनों ही अपने तरीके से बेहतर तरीके से निर्वाहन करने की कोशिश करेंगे। वही जो ये थर्ड पावर सेंटर को जो लाए गए हैं अजय माकन को, वो दोनों खेमों को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है जो हुआ वो दोबारा ना हो, और शायद यही वजह है कि अजय माकन आज माना जा रहा है कि वो राहुल गांधी से भी मिले हैं, और उन्होंने सचिन पायलट से भी फोन पर बात की, अशोक गहलोत, अविनाश पांडे सभी ने उनसे फोन पर बात की, विवेक बंसल, काजी निजामुद्दीन सबने उनसे फोन पर बात की, क्योंकि सभी लोग राजस्थान से जुड़े हुए थे, और अब नए सिरे से वो तमाम चीजें करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बड़ी चुनौतियां हैं। जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होंगे, जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तब भी देखिए आम देखने को मिलता है कि किसी का मंत्रिमंडल से हटाया जाता है, किसी को रखा जाता है, किसी को उम्मीद होती है उसको नहीं लिया जा सकता, तब भी लोगों की नाराजगियां बढ़ेंगी, लोगों के दिल टूटेंगे, तो ऐसे में भी पार्टी को संभाले रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुसीबत अभी फिलहाल गई है, टली नहीं है, तो ऐसे में अजय माकन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और अब जब राजस्थान में इस तरह की चीजें हुई और अब उनको जिम्मेदारी दी है, तो बहुत उम्मीदों के साथ आलाकमान ने दी है, और आज वो एआईसीसी में अभी, और सचिन पायलट भी दिल्ली में है, ये भी माना जा रहा था कि उनकी लगातार संपर्क में बातचीत होगी, और ये भी उम्मीद है कि वो जल्द ही प्रभारी बनने के बाद जयपुर आएंगे
अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे और उसके बाद आगे जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो, चाहे फिर वो मंत्रिमंडल विस्तार हो, उन सबको लेकर, और उसके बाद जल्द ही सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे पूरे अब ऑफिशियली। पहले वो 35 दिनों लगातार कई 102 विधायकों से मिले हैं, लेकिन अब ऑफिशियली पोस्ट पे आने के बाद वो सभी लोगों से मिलकर एक बैठक भी करेंगे। जल्दी सीएलपी की बैठक होगी, उसमें भी बुलाया जाएगा। तो अब तमाम तरीके के कार्यक्रम राजस्थान में शुरू होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आज जब कल रात को अनाउंसमेंट के बाद आज पहली बार प्रभारी अब, और आपको ये भी बता दें, जो अविनाश पांडे का जो कमरा हुआ करता था वहां पर फिलहाल उनकी वो हटाने के बाद अजय माकन की जो नेम प्लेट लगा दी गई है। तो इन तमाम चीजों के बाद अजय माकन आज जब बतौर राजस्थान प्रभारी एआईसीसी पहुंच रहे हैं, तो उसमें काफी कुछ उत्साह है। और अब राजस्थान में कई नए तरीके से, और देखिए सबसे बड़ी बात अभी राजस्थान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल से लेकर तमाम ये लोग उस कमेटी के भी सदस्य हैं जिस कमेटी में वो शिकायत रखी जाएगी पायलट के 18। बिल्कुल अदिति, यानी अब तक जो हुआ वैसा दोबारा ना हो इसकी भी पूरी कोशिश रहेगी। चुनौतियां तो कई रहेंगी अजय माकन के लिए, लेकिन सबसे बड़ी कि समन्वय यहाँ पर स्थापित कर सके और जो हुआ है उस तरह की स्थिति दोबारा ना बने, ये एक बड़ी चुनौती जरूर अजय माकन के लिए रहेगी। बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी बातचीत के लिए।